सो सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आप सर अपने बारे में कुछ बताएं, लाइक आपकी जर्नी, आपका चाइल्डहुड, आपका आपके पास्ट के बारे में हमें कुछ बताएं। ओके तो गौरव, बेसिकली मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे एक छोटे से गांव का मैं रहने वाला हूँ, है ना। और मैं जब दिल्ली आया था अराउंड 2004 में, ठीक है। और जब मैं दिल्ली आया था तो मैं सिर्फ 10th पास करके आया था, क्योंकि हमारे घर में हमारे लोगों की इतनी मतलब इतना अच्छे फैमिली से नहीं थे कि आगे हम पढ़ाई कर सके, है ना। क्योंकि ठीक है, मतलब गांव, और वैसे भी बिहार की जो पढ़ाई, जो जो बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें 90% जो लोग होते हैं ना वो सिर्फ पैसे वेस्ट करते हैं और एंड एंड तक वेस्ट करते ही रह जाते हैं। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम वहाँ पे वेस्ट करें, तो दो ऑप्शन थे कि या तो आप स्टडी ख़त्म करो और जॉब कर लो, एंड या फिर आप खुद से अर्न करो और खुद से आप अपना जो करना है जो करना है करेंगे। वो करो। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन सुना, मैंने अब फर्स्ट ऑप्शन को चुना कि स्टडी खत्म करते हैं और जॉब करते हैं, ठीक है। तो ये अपना उस समय का पहला ऑप्शन था, लेकिन बाद में चीजें चेंज हो गई। तो ऐसे ही हमने छोटे मोटे जॉब से स्टार्ट किया। मैं ज्यादा डिटेल में बात करूंगा तो आपको मतलब आश्चर्य भी होगा कि मतलब कैसे ये हो सकता है। नहीं, बिल्कुल सर, बिकॉज वही सारी चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में आगे मोटिवेट करती रहती हैं करने के लिए। करेक्ट करेक्ट। तो जब मैं दिल्ली आया तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था क्या करना है, ना किसी से कांटेक्ट, ना कुछ पता था क्या करना है। और जिस तरीके जिस जैसे लोगों के पास आप जाते हो वो अपने दिमाग से आपको एडवाइस करते हैं कि अरे ये कर लो, वो कर लो, ये सारी चीज़ें कर लो। तो अपने साथ भी कुछ ऐसा ही था कि जितने लोगों के पास जाता था उस टाइप का एडवाइस कि आप ये कर लो, तो फाइनली कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था और जॉब करना जरूरी था। तो अभी तो सबसे फर्स्ट जॉब जॉब जो मुझे याद आ रहा है, जो फर्स्ट टाइम मैंने जॉब किया था, ओखला है दिल्ली में, वहाँ पे कंपनी थी और वो लोग डिज्नी चैनल के लिए ना वो करते थे स्कूल एक्टिविटीज़। आप शायद नाम सुने होंगे, इवेंट होते हैं, स्कूल एक्टिविटीज़ होती है जिसमें जी, आपका बच्चों के सामने कुछ प्रेजेंटेशन करना होता है। तो वहाँ पे एज ए हेल्पर का मुझे वहाँ पे काम मिल गया, 200-300 रुपये पर डे के हिसाब से मिलते थे। और उसमें करना ये होता था कि कुछ हमारे साथ कुछ लड़कियां जाती थी जो बच्चों से इंटरेक्ट करती थी, और मेरा काम होता था कि जो पेपर्स वो लोग देते थे बच्चे को फॉर्म फिल करने के लिए, वो पेपर सब बच्चों में बांटना। और ये भी वो हर दिन का जॉब नहीं था, सुबह सुबह समझ लो सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 या 5 बजे उठ कर जाना होता है, और वीक में 1 या 2 बार जॉब होती थी, 200 या 300 रुपये मिलते थे पड़ेगा। ये कोई जॉब नहीं हुआ, लेकिन मैं शुरू से बता रहा हूँ कि मैंने शुरुआत कहाँ से किया था, क्योंकि जी जी मुझे कुछ नहीं बिल्कुल आता था। मुझे मतलब कुछ भी नहीं आता था, ना तो मेरा कम्युनिकेशन अच्छा था, ना मेरी इंग्लिश अच्छी थी, ना मुझे कंप्यूटर का जीरो, मैं कंप्यूटर को मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं था कंप्यूटर है होता कैसा है, ठीक है। बस नाम सुना था कि वही कंप्यूटर होता है, तो मैंने देखा भी नहीं था। तो मैंने कुछ दिन वहां पे किया और मुझे लगा यार यही जॉब होता है ना, और एक्चुअली में यही होता भी है। अगर आपको कुछ पता जी, नहीं है और इस तरीके से आप आते हो तो आपको क्या पता कि क्या चीज क्या होती बिल्कुल बिल्कुल है ना। सर। तो मुझे भी लगा यार यही होता है, तो मैं वहां पे करने लगा। फिर क्या हुआ, वो कंपनी बंद हो गई, मतलब कुछ ही दिन में, मतलब अराउंड 1 महीने के अंदर में ही वो कंपनी बंद हो गई वहां से। तो मैं फिर से रोड पे आ गया रोड पे था, फिर से रोड पे आ गया, है ना। तो अभी फिर से हमारी जॉब की सिस्टम खत्म हो गया। तो हमने सोचा यार मतलब अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, और दिक्कत तो थी हमेशा से, और मतलब कुछ क्लियर नहीं था यार कि मतलब क्या किया जाए और किस तरीके से किया जाए। तो मुझे किसी ने गाइड किया कि ओखला में स्पोर्ट्स कंपनी होते हैं जो यहाँ पे स्पोर्ट्स के वो बनती है, कपड़े जो होते हैं ना स्पोर्ट्स के, वो बनते हैं, स्पोर्ट्स कंपनी बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे एज ए हेल्पर वहाँ पे मुझे काम मिल गया, जिसमें क्या होता था जो पीसेज तैयार होती थी ना उसका बस हमें जो एक्स्ट्रा धागे बच जाते थे पीस में कटिंग का, जी वो कट करना होता था। तो मैंने कहा चलो जो मिल जाए वही सही है, तो हमने उसी से स्टार्ट कर लिया। जो धागे कट को मतलब समझ लो एकदम हेल्पर या लेबर लेवल का जो काम होता है, जो कि ठीक है उस जी समय भी मुझे अच्छा ही लग रहा था क्योंकि यार पैसा मिल रहा है तो अच्छा ही है ना। सही बात है। तो मैं वहां पे वो करने लग गया। तो वहां पे मैं 1 मंथ हो गया मुझे करते करते, तो मुझे सैलरी मिलने का टाइम आ गया। तो मैं सैलरी लेने के लिए सबको अकाउंट डिपार्टमेंट में जाना होता था, वो भी लाइन लगी होती थी लंबी चौड़ी, क्योंकि बहुत लोग वहां पे काम करते थे, तो लाइन लगी थी, तो मैं भी उस लाइन में का मैं भी एक हिस्सा था। तो मैं चला गया सैलरी लेने के लिए, तो एक के बाद मेरा भी नंबर आया। तो जो वहां पे अकाउंटेंट था वो वहां पे कंप्यूटर से चीजें को
वो कर रहा था, प्रिंट कर रहा था और टैली में एंट्री करके और आपको सैलरी दे रहे थे। तो मैंने सैलरी लेते, जब उन्होंने मुझे लिफाफा में दिया, अराउंड उस समय कितना 1500 रुपये में, 1300 रुपये सैलरी थी, 300-400 रुपये एक्स्ट्रा हमने काम किया था। ये 2006 की बात बता रहा हूँ मैं, 5-6 की बात बता रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा, सर ये मतलब टीवी जैसा क्या है ये? तो बोला, अरे ये कंप्यूटर होता है और इसमें इस तरह की चीज़ होता है। तो उसने बोला कि, मैंने पूछा क्या मैं भी सीख सकता हूँ क्या ये कंप्यूटर? कहा हाँ, क्यों नहीं सीख सकते, बस आपको थोड़ा बहुत चीजें पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ने आना चाहिए, सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे वो देख रहा था ऐसे करके, यार ये कंप्यूटर सीखने की बात कर रहे हैं। और लगता भी मैं उस समय मतलब अजीब सा ही था, मतलब क्योंकि देखो पैसे नहीं होते ना तो सब कुछ अजीब ही लगता है ना। और डेफिनेटली तो उसने, तो मैंने सोचा यार जब मैं भी सीख सकता हूँ। तो मैं वहां घर आया और घर पे वो पैसे दिए नहीं और सीधा मैं चला गया इंस्टीट्यूट। हमारे घर के पास एक इंस्टीट्यूट है, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट उसका नाम है। और वहां पे मैंने, वहां पे एक विकास सर थे, उसका आज भी इंस्टीट्यूट है और उसका, वो बुलाते रहते हैं मुझे अपने इंस्टीट्यूट पे फोर्स करते रहते हैं कि आ जाओ आ जाओ, अब बुलाते रहते हैं। तो मैं वहां पे उनके पास गया और मैंने बोला, सर मेरे को ना कंप्यूटर सीखना है। तो कह रहा ठीक है, वो लोग, उन लोगों के लिए तो क्लाइंट हो गया मैं। बोला ठीक है, आप 500 रुपये फीस है, DTP कोर्स है, उसमें आपको फोटोशॉप और बाकी सारी चीजें भी सिखाएंगे, तो आप ये सीख लो। तो मैंने 500 रुपये फीस उनको, एडमिशन चार्ज होता है वो पे कर दिया, 500 रुपये आपका 1 मंथ का पहले वो लोग ले लेते हैं, और 1500 रुपये मुझे मिले ही थे। और 300-300 रुपये मैंने जाने आने का खर्चा रखा और बाकी मैंने 300-400 घर में दे दिया, इतने ही थे यार मतलब। तो वहां पे जी मैं जाने लग गया, तो मैंने वहां पे फिर जॉब छोड़ दिया। मैंने बोला यार पहले ये काम करते हैं, पहले हम सीख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने वहां पे जॉब छोड़ दिया और वहां पे सीखने लग गया। वहां का सिस्टम अलग ही है ना, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, वहां पहले ऐसे इंस्टीट्यूट चलते हैं, वहां पे ना कोई देखने वाला ना कोई वो करने वाला, बस आप बनाते रहो और चीजें करते रहो। तो अगर आप, फैमिली सपोर्ट होता है और फैमिली आपको पैसे देती है, तो आपको फर्क नहीं पड़ता ज्यादा कि चलो डेफिनेटली है ना, लेकिन आपके पास सिर्फ 500 रुपये हो और एक ही महीना में कुछ करना हो तो फर्क पड़ता है ना, क्योंकि अगले महीने का मुझे पता नहीं था कहाँ से सही बात है ना। तो मैंने उसको बोला, सर ऐसे तो नहीं सीख पाऊंगा मैं, क्योंकि आप ना तो कभी आप मुझे देखते हो और ना ही आप किसी को भी देखते हो, मुझे छोड़ो आप किसी को नहीं देखते हैं। कह रहे यार ऐसे ही होता है यहाँ पे, अगर तुमको अगर अच्छा अच्छे सीखना है तो कोई बड़े इंस्टीट्यूट में जाओ। तो मैं यार जब यहाँ पे ये यह हाल है तो वहाँ भी कौन सा सही होगा, तो वहाँ पे वही हाल होगा। सही बात मैं फिर मैंने वहाँ पर ड्रॉप किया, मुझे लगा नहीं यार कंप्यूटर अपने बस का नहीं है, तो मैंने उसको वहाँ पर छोड़ दिया। ठीक है, फिर मैंने घर में बात किया, मैंने कहा यार पापा से बात किया कि हाँ थोड़ा सा हेल्प चाहिए और मुझे कुछ सीखना है, ऐसे काम नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम बताओ क्या सीखना है। तो उन्होंने, मैंने बोला कि अब आजकल ना मोबाइल रिपेयरिंग का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैं मोबाइल रिपेयरिंग वाला कोर्स कर लेता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक का। तो बोला ठीक है कर लो। तो दीपालिया इंस्टीट्यूट है, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, दिल्ली में ही है दीपालिया इंस्टीट्यूट। तो वो फ्री होता है बेसिकली, वो एक NGO ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चलता है, लेकिन उसमें भी थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं। तो मैं वहाँ पे चला गया और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कोर्स में मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर टीवी रिपेयरिंग का कोर्स मैंने ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे सही सिखाते थे और फीस भी कम थी, 200 रुपये या 300 रुपये लगते थे महीने के, और ठीक थे, वहाँ पे सिखाते सही थे। तो वहाँ पे सबसे इंटेलिजेंट में मेरा नाम आने लगा, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक का वैसे भी नॉलेज था और मैं चीज़ों को बहुत जल्दी समझने लगा। तो वहाँ पे जो मैम थी, प्रीति मैम नाम था, आज मुझे उनका नाम याद है, प्रीति मैम नाम था उनका। तो उन्होंने बोला, राजीव तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमको थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी देखता हूँ, तुम कंप्यूटर भी खोल देते हो सारा का सारा पार्ट, और ये तुम ना कहीं कंप्यूटर रिलेटेड काम करो, ये तुम्हारे लिए शायद सही नहीं रहेगा, तुम कंप्यूटर रिलेटेड काम। तो मैंने बोला ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड है, गाँव का एक फ्रेंड दोस्त है, वो दिल्ली में बहुत दिन से रहता था और मैं उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, बहुत ज़्यादा। उनका नाम था सोनू मेहता नाम है, और जब हम गांव में रहते थे ना तो हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे उनके, हमें लगता यार कभी हमें उनकी तरह बनना है। उनके वो कपड़े उपड़े जो पहनते थे ना एकदम मस्त है, मतलब कपड़े क्या जो एकदम आयरन किया हुआ, इस्त्री उस्त्री किया हुआ बढ़िया से कपड़े, हमें लगता था यार हमें वैसा बनना है और उस तरीके से बन के रहना है, क्योंकि वो दिल्ली में रहता था और हम गाँव में रहते थे। जब जाता था गाँव तो हमें लगता था यार काश कभी ऐसा बन पाए। तो मैं उनके घर चला गया कि मैंने बोला भैया ऐसी ऐसी बात है, कोई कंप्यूटर रिलेटेड कहीं पे जॉब हो तो मुझे आप बताओ। तो उन्होंने बोला यार मैं एक कैफे में जाता हूँ, वहाँ पे वो लड़का देखा था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि लड़का की जरूरत है तो वहाँ पे ज्वाइन कर लो। तो हमारे घर के आसपास ही कैफे है, गोविंदपुरी कैफे, आई फूड यू कैफे नाम था, बहुत फेमस कैफे था। तो वहाँ पे मैं चला गया, तो उसने बोला ठीक है लड़का की जरूरत है मुझे, तुम आ जाओ। और तो मैंने बोला सर पैसा कैसे क्या मिलेगा, उसने बोला 1800 रुपये मिलते हैं प्लस कोई एक्स्ट्रा करोगे तो तुमको एक्स्ट्रा मिलेगा। मैंने बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये 2008 की बात है जब इंटरनेट आया भी नहीं था, और मैं कैफे में जॉब करने लग गया तो मेरे को इंटरनेट का मेरे पास फ्रीडम हो गया, क्योंकि अपने पास पूरा दुनिया भर का इंटरनेट था। फोन में इंटरनेट स्टार्ट भी नहीं हुआ था उस समय शायद, और सब कैफे में जाकर काम करते थे, लेकिन मेरे पास पूरा फ्रीडम था इंटरनेट का। 25-30 कंप्यूटर वहां पे थी, है ना, एक हाँ 25-30 वहां पे कंप्यूटर थी, तो अपने पास एक दो कंप्यूटर फ्री रहते थे और उस पर अपने को काम करने को मिल गया। तो 25-30 कंप्यूटर होता तो फ्री खराब भी होते थे, तो थोड़ा बहुत करने तो मुझे आ ही गया था, तो मैं कंप्यूटर पूरा ओपन ओपन करके ठीक हो करने लग गया। और कुछ दिन तो मैंने ऐसी मूवीज वूवीज गाने वाने सुन के अपना टाइम पास किया, फिर उसके बाद मैंने सोचा यार इसे कुछ सीखना चाहिए, है ना। तो उस समय चल रहा था SEO का काम बहुत ज्यादा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ना काम बहुत ज्यादा, उस टाइम। हाँ लेकिन उस समय ना नया नया पीक पे था तो बहुत सही था। तो मैं वहां पे कंप्यूटर बैठ के दो तीन चीजें पे काम करने लगा। फर्स्ट मैं कंप्यूटर का नॉलेज लेता, सेकंड मैं SEO सीखता ऑनलाइन, और थर्ड मैं इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब इंग्लिश अपना ठीक करने की कोशिश करता ऑनलाइन ही, मतलब कोई सारे यूट्यूब से, कोई यूट्यूब से, कोई इधर उधर से, कुछ फोरम मैंने ज्वाइन कर लिया था, तो उधर से चीजें करना स्टार्ट किया मैंने। उसके बाद वहां पे मैंने कैफे में 2 साल काम किया, है ना, 8, 9 और 10 के स्टार्टिंग में मैंने वहां पे छोड़ दिया। मैंने बोला सर अब मैं, भैया बोलता था भैया अब मैं कहीं और जाना चाहता हूँ, तो बोला ठीक है करने, अब तुमको आ गया तुम चले जाओ कहीं और। तो मैं वहां पे किसी और लड़के को लगा के मैं वहां चला गया। फिर मैं इंटरव्यू दिया इधर उधर बहुत सारे, और 2 साल तक सर पेमेंट वही अराउंड 1800 के आसपास थी, राइट? हाँ उससे भी कम यार, कभी जाता नहीं था तो सैलरी कट, और कभी कुछ कुछ तबीयत खराब हो गया तो कट, तो वही 1500-1600 रुपए मिलते थे, और वो भी सारा घर में देता था, वैसा कोई अपना कोई था नहीं वैसा ना। अभी भी कुछ नहीं करता यार मैं, सिगरेट शराब वराब कुछ कहीं भी मैंने आज तक कभी टच भी नहीं किया, तो अपना कोई खर्चा वर्चा था नहीं ना, बस एक ही चीज शौक था मूवी देखना, और उतनी अब उस समय औकात नहीं थी कि सिनेमा हॉल में जाके मूवी देख सके, क्योंकि टिकट सबसे सबसे सस्ता टिकट था 30 रुपए का सपना सिनेमा, और उतनी भी औकात नहीं थी कि 30 रुपए खर्च कर सके मूवी पे। मतलब ये कोई गुजरे जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं 2009 की बात सही कर रहा बात हूँ, ये वैसा वाला, क्योंकि पैसे नहीं थे यार तो क्या क्या आप देखोगे, है ना। तो मैंने कहा चलो, फिर मैंने एक जॉब ट्राई किया ओखला में, एक ARC मोटर्स है, हीरो होंडा की कंपनी है, जब हीरो होंडा दोनों एक साथ था, ARC मोटर्स, तो वहां पे मैंने अप्लाई किया, तो मुझे वहां पे कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब मिल गया, जो कंप्यूटर ऑपरेटर जहाँ पे आपका जो गाड़ियाँ आती थी वहां पे हीरो होंडा के सर्विस सेंटर में, तो हमें उसकी एंट्री करनी होती थी, और एंट्री करने के बाद उसका बिलिंग करना होता था, तो वो जॉब मुझे मिल गया एंट्री प्लस बिलिंग का। फिर मैंने वहां पे अच्छा काम किया बहुत, वहां पे भी 1 साल काम किया, और मुझे नॉलेज था तो मैंने थोड़ा अच्छा काम किया, और एक्स्ट्रा काम भी करने लग गया मैं थोड़ा बहुत, है ना, प्रमोशन वमोशन उस कंपनी के लिए इधर उधर पोस्ट वोस्ट करना, SEO तो आता ही था, तो उसकी वेबसाइट वेबसाइट पे भी थोड़ा सा अपना हिंट देने लगा, तो उन्होंने मुझे सुपरवाइजर बना दिया वहाँ का, जो कंप्यूटर का वो था ना, तो वहाँ पे सुपरवाइजर बना दिया, और मैंने सैलरी पर ज्वाइन किया था 3800 रुपये, 3800 पर ज्वाइन किया था, और मेरी सैलरी अराउंड 6000 से ज़्यादा होगी, 6200 के आसपास होगी मेरी सैलरी वहाँ पे। तो मैं लगा यार मैं इसी का तो सपना देख रहा था कि मतलब कभी 5000 सैलरी हो, 10000 सैलरी हो, अब वो हो गया है, तो अब उसको हम वो करते हैं, मतलब अब ठीक है यार, अभी जिंदगी अब सही चल रही है, अब थोड़े बहुत कपड़े भी खरीदने लग गया था इधर उधर से, मतलब गली से ही, मतलब ब्रांड पे तो जा नहीं सकते थे, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल हाँ पहले 200-300 के जीन्स लेते थे, अब थोड़ा 400-500 के जीन्स लेने लग गए थे, और सही था। फिर मेरा भाई आया गांव से, और चीजें वहां से चेंज हुई, तो मेरा भाई जब गांव से आया तो उसने भी 10th किया, और फिर उसने वो कर दिया, मतलब उसने कहा कि आ जाओ, मैंने बोला आ जाओ हम यहीं से पढ़ाई करेंगे। फिर इन दिनों मैंने दिल्ली में ओपन से एडमिशन भी ले लिया, और मुझे लगा ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करना ही करना है, तो ग्रेजुएशन ओपन से एडमिशन ले लिया यहाँ पे दिल्ली में, ठीक है। तो ठीक यार पैसे वैसे उस समय थोड़े बहुत थे, जो अपना टाइम भी था पैसा भी था, तो कर लिया था। और उसके बाद मैंने, मेरा भाई आया तो मैंने कहा यार इसको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चीज़ों को सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जो तकलीफ फेस किया है उसको नहीं करने दूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो ARC मोटर में मेरा बहुत अच्छा हो गया था, मतलब हीरो होंडा की जो बात कर रहा हूँ, वहाँ सब लोग मुझे जी थे, और एक्चुअली बाइक वाला सर्विस था ना, तो आसपास के लोग भी जाने लगे, क्योंकि सब लोग वहीं हाँ जाते थे हाँ अपना बाइक सर्विसिंग करवाने, तो सबको लगता था यार राजीव है वहाँ पे, और कैफे से तो मेरी सबसे जान पहचान हो ही गई थी, अराउंड मेरे एरिया का हर लड़का मुझे पहचानता था कि यार ये लड़का कैफे में करता था, अब हीरो में है तो उसको फोन कर दो बाइक करवा देगा सब कुछ, ठीक है। तो उस तरीके हो गया। तो वहाँ पे एक एक और बंदा आया था, एक वहाँ पे एक लड़का आया था, तो उसने पूछा कि यार तुम्हारा तो सही है यार, तुम तो अभी कैफे में एंट्री करते थे, रजिस्टर ले घूमते रहते थे, अब तुम्हारा यहाँ, अब तुम्हारा कैबिन मिल गया अपना, तुम्हारा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे सामने
सुपरवाइजर का वो लगा कि तुम घूम रहे हो। मैंने कहा हाँ यार, मतलब सही सही हो गया अपना थोड़ा सा। तो कह रहा, उसने बोला कि तुम रुको मत यहाँ पे, तुम ना यहाँ पे चेंज करो, क्योंकि तुमको सब कुछ दे दिया है लेकिन ना इस काम की ना कोई वैसी कोई वैल्यू नहीं है, तुम सीखो ही क्या, इसमें कोई स्किल नहीं है अपना। तो मैंने सोचा यार बात तो सही कह रहा है, स्किल तो है नहीं इसमें। तो मैंने सडनली वहां पे बिना बताए यार से मोटर को छोड़ दिया, मतलब सैलरी भी नहीं लिया, छोड़ दिया। मैंने कहा यार, दिल पे लगी उसके बाद, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। और मैंने SEO सीखा था ना, तो उसके लिए मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया SEO के लिए। मुझे SEO आता नहीं था, मैंने कभी फील्ड में या कभी रियल में काम नहीं किया था, बस मुझे पता था कि SEO ऐसे ऐसे होता है, ये करते हैं, इस टाइप की चीजें होती है। तो मैंने कर दिया स्टार्ट। तो वो लाजपत नगर में कंपनी थी, कंपनी का नाम क्या था, मर्स इक्विटी प्राइवेट लिमिटेड, अभी भी है, अभी शायद उसका बेटा रन करता है। वहां पे एक अविनाश नरूला सर थे, जो शिव खेरा को जानते हो आप, शिव खेरा के साथ जी जी शिव जी खेरा के ना कलीग थे, तो मतलब कलीग नहीं, फ्रेंड्स थे। जो शिव खेरा मोटिवेशनल स्पीकर, वो भी मोटिवेशनल स्पीकर ही था दोनों। तो वहां पे मैं चला गया, वहां पे मेरे को उसने देखा, तो बिहार से थे, थोड़ी बहुत बातें पॉलिटिकल भी करते थे और अलग टाइप भी करते थे। तू आ जा, ऐसे बोलते थे, बेटे बेटे तू आ जा हमारे साथ, मैं तुमको सिखा दूंगा, और तुमको थोड़ा बहुत आता है मैं तुमको सिखा दूंगा। तो मैं वहां पे चला गया। जिस दिन मैं वहां पे गया, वहां का जो SEO हेड था वो जॉब छोड़ के चला गया। तो समझ में आया कि भाई उसका SEO हेड जाने वाला था, तो बैकअप में उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने बोला भाई अच्छा अच्छा चांस है सीखने का। अब मैं दिन में सीखता और रात में काम करता, मतलब रात में सीखता दिन में उनके लिए काम करता, और उनके लिए अच्छा काम किया। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे एक DVD लॉन्च करना है, अभी भी वो DVD यूट्यूब पे पड़ी हुई है उनका, उसका सारा शूट हमने करवाया था। तो मैंने बोला कि सर मुझे वीडियो वीडियो में इंटरेस्ट है और मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ये शूट पूरा मैनेज करूँ। उसने बोला ठीक है करो। तो वहाँ पे अब उन्होंने वीडियोग्राफर बुलाया था, तो सब कुछ मैंने मैनेज किया, फ्रेम व्रेमिंग पीछे का सारा कुछ मैंने मैनेज किया, सब कुछ करके उन्होंने वीडियो शूट हो गया। उसके बाद सब कुछ मैंने ही वहाँ पे किया सब कुछ। तो उन्होंने बोला यार अच्छा काम किया तुमने, उसको प्रमोट करो SEO के थ्रू। तो मैंने प्रमोट किया। उसका एक वेबसाइट था customermath.com, जिसपे वो लोग कस्टमर्स रिलेटेड वो करते थे, बुक्स सेल करते थे, उनका अपना बुक भी ऑथर थे तो बुक भी सेल करते थे। मैंने खूब जी जान से उसको प्रमोट प्रमोट करना स्टार्ट किया। तो वहां पे मैं सैलरी कम में ज्वाइन किया था, मतलब 6200 से मैं अराउंड 5000 पे कम में ज्वाइन किया था। फिर उन्होंने काम देखा तो सैलरी इंक्रीज कर दी, अराउंड 1300 समथिंग सैलरी कर दी, 13000 समथिंग सैलरी कर दी, मतलब 13000 के आसपास उन्होंने सैलरी कर दी। कहा यार तुम्हारा ठीक है। और उन्होंने मेरे तो पूछा कि तुम्हारे अंडर में कोई चाहिए तुमको, कुछ लड़के हेल्प? मैंने बोला हाँ सर चाहिए। तो मैं अपने भाई को वहां ले गया, है ना, एक लड़का था ही, मैं अपने भाई को वहां ले गया कि चलो बैठा रहेगा, सीखता रहेगा। फिर वहां फिर 2000 फिर दो फिर, वैसे तो फेसबुक 2004 में लॉन्च हुई थी, लेकिन फेसबुक उस समय ऑर्कुट को छोड़ के फेसबुक का ना बहुत तगड़ा होने लगा। पहले ऑर्कुट हाँ पीक था उस है ना, समय। तो ऑर्कुट खत्म होने लगा, फेसबुक लीड करने लगा। तो सबसे पहले में से मैं था जो मैंने फेसबुक पे पेज बनाना, कम्युनिटी पेज बनाना स्टार्ट किया सर का, अभी भी पेज है पड़ा हुआ। तो उनका मैंने हर जगह पेज बना दिया, और पेज पे मैंने रेगुलर वहाँ पे फोटोज अपलोड, फोटोज या जो उनके बुक्स के कवर्स होते हैं, जो जो हम डिजाइनर बनाते थे, डिजाइन फील्ड में अभी भी मैं नहीं आया था, मैं बस SEO में था। वहाँ के जो मतलब डिजाइनर थे वो बनाते थे, एक ना बंगाली दादा थे, बहुत फाइन आर्टिस्ट थे, मज़ेदार एकदम, हमारे घर के पास रहते थे, तो वही उनके लिए डिजाइन करते थे सब कुछ। तो वो मुझे देते थे कि ये आज कर दो वो कर दो, तो मैं अपने पेज पे अपलोड कर देता था। तो पेज का रिस्पांस अच्छा आया, फेसबुक से उनके पास कॉल वॉल आते थे, क्योंकि उस समय फेसबुक नया था और प्रमोट करने से ना कॉल वॉल बहुत ज्यादा आते थे। तो उन्होंने बोला यार सही आ रहा है फेसबुक है, अब तुम ना और पेज बनाओ, जितने भी मेरी बुक्स है सबके ऊपर पेज बनाओ और सबको ये करो पेज, मतलब उस समय पेज नहीं बोलते थे, उस समय कम्युनिटी बोलते थे, कि तुम कम्युनिटी और बनाओ और इसको वो करो। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो उसका सबका मैंने पेज बनाना स्टार्ट कर दिया। अब क्या था कि डिजाइनर के पास बहुत काम होते थे, अब मुझे चाहिए होता था हर पेज के लिए एक पोस्ट, पेज के लिए पोस्ट चाहिए होता था। तो मैं उनके पास खड़ा रहता था, तो वो कहता यार ठीक है बाद में आना, अभी आ कर लेना हुआ। तो मैंने सर को बोला सर उनके पास ऑलरेडी काम है, क्या मैं अपने एंड से ट्राई करूँ बना के? बोला हाँ क्यों नहीं ट्राई करूँ, वो क्या चाहिए? मैंने बोला सर ये कंप्यूटर चल नहीं रहा, आप कंप्यूटर चेंज करवा दो मेरा। बोला ठीक है अभी अभी चेंज हो जाएगा। उसने झट से अपना कंप्यूटर चेंज करवा दिया और अब मेरे पास अच्छा कंप्यूटर आ गया था। मैंने खुद से डिजाइन करना स्टार्ट किया, है ना। अब मुझे लगा यार डिजाइन इतना ईजी नहीं है, इसको साला सीखना पड़ेगा पहले, है ना। तो मैं फिर डिजाइनिंग वजाइनिंग सीखने लग गया, और डिजाइनिंग दिमाग थोड़ा सा पहले से ठीक था यार, तेज था, तो मैं समझने लग गया कैसे क्या होता है, किस तरीके से चीजें क्या होती, सीखने लग गया। और मैं जब डिजाइन करने लग गया ना, तो उन लोगों से अच्छा डिजाइन मैं करने लग गया, मतलब ऐसा वो बोलते थे, मैं अभी भी नहीं मानता, वो लोग बहुत हाँ आर्टिस्ट थे। उन्होंने बोला राजू तुम्हारा डिजाइन ना अट्रैक्ट करता है लोगों को, भले ही वो लोग बहुत
रिफाइन करके काम करते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन तुम्हारा डिजाइन जो कलर्स और जो फॉन्ट्स तुम चूज करते हो ना बहुत अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो एक काम करो तुम ना, एक मेरा बुक का भी लिए भी ना, तुम ना काम करो जो पोस्टर वोस्टर के लिए, तुम भी कुछ डिजाइन करो। बोला ठीक है सर मैं करता हूँ। तो वहां पर डिजाइन वजाइन करने लग गया और अब उनके सारे पेजेस हैंडल करता था, डिजाइन करता था, सब कुछ मैं वहां पे करने लग गया। अब क्या है कि सोशल मीडिया ने पीक पकड़ लिया था, है ना, जो पीक था पकड़ लिया सोशल मीडिया ने अच्छा खासा, ठीक है। और जब अब भाई सोच पहले जैसा रहा नहीं था, अब फेसबुक ने पेज भी लॉन्च कर दिया अपना, है ना, कम्युनिटी टैब को उन्होंने पेज बना दिया, कम्युनिटी जो था उसमें पेज लॉन्च कर दिया, बहुत सारी चीजें। फिर वहां पे फ्रेमवर्क आ गई जिसमें आप HTML ऐड करके अपने फेसबुक पेज को कस्टमाइज कर सकते थे। तो वो सारी चीज मैंने वहां पे किया, कस्टमाइज वस्टमाइज सब कुछ मैंने वहां पे कर लिया और डिजाइन मेरा अच्छा हो गया, मतलब ठीक ठाक हो गया था। और मेरी सैलरी अराउंड 18 से 20 हजार के आसपास थी उस समय, मेरी सैलरी हो बढ़ा दिया था उन्होंने। मैंने मैंने सोचा यार अब तो मैं अटक गया यहाँ पे, अब तो मुझे डिजाइनिंग भी आ गई, SEO भी आता है, डिजिटल मार्केटिंग भी अब मैं करने लग गया हूँ, तो मुझे थोड़ा इससे आगे जाना चाहिए। तो मैंने वहां पे बिना बताए उसको फिर से जॉब छोड़ दिया, कुछ कुछ बताया नहीं मैंने, बोला क्योंकि मुझे वो आने नहीं देते, मैंने बिना बताया वहां पे जॉब छोड़ दिया, मतलब जाना बंद कर दिया। तो मेरे भाई से पूछने लगे यार तुम्हारा भाई क्यों नहीं आता ये वो, तो मैंने बोला यार मैं अब नहीं कर सकता वहां पे, अब मैं अपना वो करते हैं, ठीक है। उसी बीच में उससे पहले की बात है, जब जॉब छोड़ने से पहले का हमें मुझे सैलरी मिला और सैलरी 18 हजार जैसे मैंने बताया, 18-19 हजार के आसपास थे और घर में सारे देने होते थे। तो मैंने रिस्क लेके वहां पे एक कैमरा खरीद लिया, मतलब मैं और मेरा भाई गए, सैलरी जब मिला था आपस में, और वहां पे लाजपत नगर में एक शॉप था जो बंद हो गई कॉर्नर, वहां पे मैंने सोनी का साइबर शॉट कैमरा आता था पॉइंट एंड शूट वाला, वो मैंने खरीद लिया। मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था, वो मैंने खरीद लिया। घर में खूब डांट पड़ी यार, मतलब वो कैमरा था 11 11 हजार कुछ का कैमरा था, मतलब ओ 15 हजार देने होते थे, 11 हजार का मैंने कैमरा ही ले लिया। कैमरा ही ले ली। हाँ तो ये मतलब ऐसे कैसे चलेगा ये, बहुत सारी डांट पड़ी। मैंने सोचा ठीक है सह लेंगे थोड़ा, है ना, तो वैसा वाला सीन था। तो उसके बाद मैं हम और मेरा भाई संडे को, हर संडे को फोटो शूट करने जाते थे पार्क में, हर संडे फिक्स था, और फोटो शूट करके पिक्चर का पोस्टर बनाते थे कट कर कि देखते थे कैसा। तो ये पुराना सीन था। फिर मैंने वहां जॉब छोड़ दिया और कुछ दिन तक मैंने जॉब नहीं किया और वैसे ऐसे उसे फोटो वोटो क्लिक। हाँ तो उसके बाद मैंने चलते कुछ दिन रेस्ट करते हैं फिर हम काम करते हैं, फिर मुझे मैंने अप्लाई किया। तो ऐसे करते 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 मेरा ही काम देख के मुझे सामने से फोन आया, है ना, वो वहाँ से लाइफ चेंज हो गई, है ना, वहाँ से चीज़ें सही होनी स्टार्ट हो गई। तो एक कमल सर है जो टीम वर्क कम्युनिकेशन कंपनी रन करते हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि हम डिजिटल में, हम तो वैसे PR एजेंसी है, पब्लिक रिलेशन एजेंसी, लेकिन हम डिजिटल में ना एक्सपेंड कर रहे हैं, और तुम्हारा मैंने देखा तुम डिजिटल पर अच्छा काम करते हो, तो तुम एक बार आ जाओ मेरे से मिल लो। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे अलग ही टाइप की इज्जत, है ना, जैसा इज्जत पहले कभी नहीं मिला था। पहले तो इंटरव्यू की तरह बुला के बिठाते थे कि भाई हाँ ये जाओ वो करो, लेकिन वहाँ पे अपने साथ बिठाया, बोला कि तुम अच्छा काम करते हो। अब पता चला क्यों, क्योंकि उस समय मैं ही था जो इस टाइप का काम करते थे, तो कुछ ही लोग थे, बहुत लोग नहीं, हाँ सोशल मीडिया के लिए बैनर बनाते थे कुछ ही लोग थे, सब प्रिंट के लिए बनाते थे, और मैं कुछ लोग में से मैं भी था जो डिजिटल के लिए बैनर बनाता था। उन्होंने बुलाया कह रहे यार तुम्हारा काम बहुत सही है, तो तुम बताओ कब से ज्वाइन कर सकते हो। मैंने बोला सर 2-3 दिन का टाइम दो मुझे। बोला नहीं नहीं तुम आज से ज्वाइन करो। उन्होंने, और उस दिन मेरा बर्थडे था, 11th मई था, ओ और उस दिन मेरा बर्थडे था। मैंने कहा सर आज तो मेरा बर्थडे, कोई बात नहीं तुम आज से ज्वाइन कर लो। तो मैंने वहां पे उसी दिन से ज्वाइन कर लिया। तो वहां पे जो सैलरी मेरी थी अराउंड 32 नहीं 33,000 के आसपास उन्होंने मुझे सैलरी दिया, और बोला कि 3 क्लाइंट है, तीनों को हैंडल करना है तुमको, और सब कुछ तुम्हें मैनेज करना है। तो मेरे पास प्रेशर आ गया अब सीखने का, तो मैं सीखने लग गया सब कुछ, डिजिटल मार्केटिंग और कैंपेनिंग सब कुछ सीखने लग गया। और वो क्लाइंट और भी क्लाइंट लेते आ गए, तो उनके पास दिल्ली गवर्नमेंट क्लाइंट लेके आए वो लोग, शीला दीक्षित क्लाइंट लेके आए, और भी बिगर बिगर क्लाइंट लेके, फोर्टिस हॉस्पिटल लेके आए, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट वो मेरे को दिए काम करने के लिए। तो मैं वहां पे सब पे काम करने लग गया और सब मेरे काम से बहुत खुश थे। अब अपना ना थोड़ा अच्छा था, मतलब ठीक था। फिर मैंने थोड़ा सा रिस्क लेके लैपटॉप भी ले लिया, है ना, सैलरी ठीक थी, तो मैंने सोनी का फर्स्ट लैपटॉप लिया था जो 29,000 रुपीज का लैपटॉप था, सोनी वायो का था, 25EN, मुझे सबका नाम याद रहता है, 25EN सीरीज का था। तो मैंने वो लैपटॉप लिया हुआ था, ठीक है। तो मैं घर मैं वहां पे उनका काम करता था, घर से मैं खुद से फ्रीलांसिंग वर्क करता था, मतलब मिलने लगा था, मतलब डिजिटल पे मुझे लोग जानते थे फेसबुक पे, तो लोग काम देते थे, तो मिलने लग गया। तो अपना निकल जाता था 50 हजार के आसपास सैलरी आ जाती थी, 2011 की बात करूँ, 11-12 की, तो उस समय 50 हजार बहुत होते हैं, सही है ना, बात। और मतलब ठीक था। और अपने एंड में तो अपना भी लाइफस्टाइल चेंज हो गया थोड़ा सा, है ना, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, फ्रेंड्स बदल गए, सब
चीजों देखने का, जब आप नए माहौल में जाते हो तो आप चीजों को भी डिफरेंट तरीके से देखते हो, तो वो भी तरीका बदल गया। उसके बाद मैंने वहां पे भी 3 साल तक अराउंड काम किया, 2015 तक काम किया। और उसके बाद मैं समझ गया क्लाइंट की वैल्यू क्या होती है। जब आप अच्छे क्लाइंट पे काम करते हो ना, तो आपके मार्केट में अच्छी वैल्यू होती है। तो मैं अब पैसे के लिए नहीं भागने लगा, मैं क्लाइंट के लिए भागने लगा कि मुझे अच्छे क्लाइंट पे काम करना है। ठीक है, इसी बीच में मैं 3-4 PR एजेंसी और चेंज किया सिर्फ क्लाइंट के लिए। उनका मैंने छोड़ दिया, ऑफकोर्स अच्छे नोट पे छोड़ा था, बोल के कि हाँ चलो सर मैं अब थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ। और इस तरीके से मैं वहाँ 2014 की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे मैंने 12 से लेकर 15 तक मैंने वहाँ पे काम किया था। और फिर मैंने मैंने सोचा कि चलो अब छोड़ते हैं, फिर छोटी मोटी एजेंसी ज्वाइन करी जिसमें अच्छे क्लाइंट थे मेरे पास, वो कर दिया। फिर 2016 के आसपास मुझे फोन आया, एक कंपनी थी, अच्छी कंपनी थी, TSG कॉर्प नाम था उसका, उसके पास सारे सेलिब्रिटी क्लाइंट थे, जितने भी सेलिब्रिटी का होते हैं सब मैनेज वो लोग करते हैं। वो लोग छोटी सी टीम थी उनकी और अच्छा काम करते थे वो लोग। उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आ जाओ, आपका काम अच्छा है। और उसमें मेरा प्रेशर हो गया, मैं हर चीज़ पे काम करना शुरू कर दिया। तो मैं वहाँ पे चला गया, और वहाँ पे करने के बाद, और जब मैं PR, जब मैं टीम वर्क में था, तो मैं फोटोग्राफी भी करने लगा, वीडियो भी करने लगा, खुद से शूट करने लगा, क्योंकि क्लाइंट के रिक्वायरमेंट आते थे तो मैं खुद से करने लगा। इस पर कभी आराम से बात करेंगे, ठीक है, तो कैसे ये टेक्निकल चीज़ है, कैसे क्या है। तो मैं वहाँ पे करने लग गया। फिर हम आगे, मैं वहाँ पे छोड़ गया, फिर TSD कॉर्प जाने के लिए। वहाँ पे सारे बड़े क्लाइंट थे, अच्छे क्लाइंट थे, नरेंद्र मोदी क्लाइंट था, माई गॉप था, किंग्स इलेवन पंजाब, दिल्ली डेयरडेविल्स, और सारे अच्छे अच्छे क्लाइंट थे वहाँ पे। तो मैं सबके लिए अच्छा काम किया, कंपनी बहुत अच्छी ग्रो किया, 4 या 5 लोगों से टीम से कंपनी 100-150 लोगों की टीम तक पहुँच गई, है ना, 2-3 ऑफिस ले लिया, बहुत सारी चीज़ें चल गई। फिर मैंने वहाँ पे जॉब छोड़ दिया, मैंने बोला भाई अब अपना, अब इतना हो गया है कि मैं अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकूँ, है ना। तो फिर वहाँ बिना बताए जॉब छोड़ दिया, मैं हमेशा बिना बताए जॉब छोड़ता था। फिर बाद में, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग आने तो देंगे नहीं, है ना, वो क्योंकि फिर वही है, और ऐसा कोई लॉ है नहीं कि भाई तुमको कोई रोक के रखे, सब बकवास है कि सही बात। नोटिस पीरियड ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो अपनी मर्जी है यार आपकी। तो मैं वहाँ पे ऑफकोर्स बताया, लेकिन नोटिस पीरियड इतना टाइम नहीं था कि मैं 1 महीने तक उसका नोटिस पीरियड करो। मैंने बोला सर मेरा टाइम है, आप जो काम कर लेना है ले लो। तो उन लोगों को बुरा लगा, बोला यार ऐसे नहीं होना चाहिए तुमको, तो हमने साथ में ग्रो किया, तुमको क्या चाहिए बताओ, कितनी सैलरी चाहिए बताओ। तो उस समय सैलरी अराउंड मेरी 50 से ज़्यादा वहाँ मिलते थे, और साथ में फ्रीलांसिंग काम करता था, 80-90 हज़ार हो जाते थे आराम से। उसने बोला तेरे को कितना चाहिए बताओ, क्या चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुमको सब कुछ दूंगा, है ना, क्या। मैंने बोला सर मेरे को करना ही नहीं है, मेरे को ना निकलना है बस, और अपने लिए करना है अब काम, अब ऐसा मुझे काम नहीं करना। तो उसने बोला फिर भी एक बार सोच लो। फिर मैंने सोचा, उन लोगों को बुरा लगा, तो चीज़ें ठीक है, मैंने बोला लगे हम तो यार, मैं देखो तो रास्ते में आपको बहुत, जब आपकी मंजिल फिक्स होती है तो रास्ते में तो बहुत लोग मिलते, सही बात, तो सही घर के बात। साथ तो अटैच करके बैठ नहीं सकते ना, तो मैं वहां से निकल गया। उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, अपने चीज़ें को वो करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो किसी के साथ मिलके मैंने अपना, मेरा फिल्म मेकिंग का शौक था बचपन से ही, और बचपन में मैंने बताया कि फिल्म बहुत देखता था, तो मुझे फिल्म बनाने का शौक था, लेकिन वो कभी पूरा हो ही नहीं पाया। अब वो पूरा हो रहा है, तो क्योंकि हमारे पास गैजेट वजेट नहीं थे, तो फिर मैं खुद का काम स्टार्ट करना कर दिया। अब मैं क्लाइंट को सब कुछ देने लग गया, ग्राफिक, फोटो, वीडियो और सब, और मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं देने लगा, इसलिए देने लगा कि मुझे करने को मौका मिल रहा है, समझ लो, क्योंकि मेरा जो पैसा था मुझे मजा आता था शूट करने में। अब दूसरे के लिए सही शूट करते बात। थे तो क्या होता था कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, क्योंकि आपका आइडिया आपका होता है, सामने वाले को पसंद आए, सामने वाले के माइंडसेट पर डिपेंड करता है। और जब आपके आइडियाज में कुछ कट करे या कुछ चेंज करे या कुछ, आपको जब आइडिया पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए ना, तो फिर मजा नहीं आता, है ना। हाँ तो अब मेरे पास खुद, मैं खुद मैनेज करता था, मैं खुद ही डिसीजन मेकर था, तो मैं भाई अपना अपना आइडिया खुद ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। तो लोगों को काम पसंद आने लगा, सब कुछ चीज़ें सही हो गई, और अभी तक वो चीज़ें चल रही है। तो अभी अपने को सब कुछ करते हैं, ग्राफिक, फोटो, वीडियो, और सिर्फ ये पैसे कमाने के लिए नहीं करता, इसलिए करता हूँ कि मैं अपने क्रिएटिव जो सेटिस्फेक्शन होता है ना आपको, उसको आप सेटिस्फाई कर सको कि हाँ आपको बनाना है तो भाई बनाना है, पैसे तो आ ही जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने 0 से, और फिर अभी भी 0 ही है, अभी भी अब अपने एम तक पहुंचा नहीं हूँ जहाँ मुझे पहुंचना है, और पहुंच जाएंगे। मतलब मेरा टारगेट है 2-3 साल अभी और बचे हुए, मैंने 2024 फिक्स कर रखा है कि भाई 2024 तक कुछ कर देना है, और अभी भी है 3-4 साल टाइम है कि अपने करने के लिए। तो मतलब इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था। एक हेल्पर की जॉब से लेके यहाँ तक का पूरा सफर। एक चीज बताना भूल गया, वो हेल्पर का मैंने क्यों छोड़ा था। जी उन्होंने तो लगाया था जॉब कि आपको धागा कटिंग करना है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कपड़े धोने का काम दे दिया, कि
कि आप ना कपड़े को करो, छत उनका छत पे था, वॉशिंग प्लांट लगे हुए थे, उसमें कपड़े डाल देते थे और पैर से आपको ना उसको पैर से धोने होते थे, तो पैर में ना बहुत, पैर के जो आपकी स्किन है वो जलने लगी थी केमिकल से, इसीलिए मैंने हाँ वहां पे छोड़ा था, मतलब ये भी एक रीजन था, तो वहां से हाँ स्टार्ट किया था, तो ऐसा था। फिर मैंने एजुकेशन कंप्लीट किया, फिर अपना सब कुछ, कम्युनिकेशन और अपना जितनी भी चीजें होती है, इंग्लिश उंग्लिश सब कुछ ठीक किया, और सब खुद से किया, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कहीं पे कोर्स किया है या कुछ ऐसा ज्वाइन किया, खुद से किया है। तो क्योंकि आप खुद से बेटर आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल अपने हिसाब से फिर सारी चीज़ें होती गई। हाँ, जब आपके माइंड, जब आपका आइडिया वर्क करता है अपने हिसाब से, तो आपको रियल लाइफ वो मिलता है फीडबैक कि भाई आपने जंप मारा तो ऊपर गिरे या बीच में बीच में आप मतलब लटक गए, तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है। और किसी के साथ जंप हाँ मारोगे तो डिपेंड, कंफ्यूजन रहता है यार, कहीं उसके वजह से तो नहीं अच्छा हो गया, कहीं हाँ तो आप, सही है बात। ना, तो आप खुद खुद जब चीजें अपने हैंड पे जब ट्राई करते हो ना, तो अच्छा होता है तो भी आप ही का अच्छा, 100% अच्छा होता है, बुरा होता है तो भी आपका 100% होता हाँ है, तो ये सीखने वाली चीज होती है।